हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे सो गाइस कल पार्टी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी बहुत ही हैपनिंग पार्टी थी और बहुत ही मज़ा आया पार्टी में पार्टी से आने के बाद हम सब बस सो गए और अभी उठे हैं और अभी सुबह के बज रहे नो और हम सब फ्रेशन अप हो चुके हैं नहावा के मस्त रेडी हो गए हैं अभी हम जा रहे हैं चाचा जी के घर पर और आज हमारा रिटर्न भी होना है यानी हमें आज वापस भी जाना है कोयम्बर टूर और आज जो मैं ट्रेन की जर्नी करने वाली हूँ बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अमेजिंग से ट्रेन में करने वाली हूँ जिसका कि मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी तो डिले नहीं करते हैं नीचे गाड़ी आ चुकी है तो चलिए चलते हैं गाइज यहाँ पे मैं आ गई हूँ पार्किंग एरिया में और ये आप देख सकते हैं ऊपर हमारा जो अपार्टमेंट था जो फ्लैट था वो ऊपर है ये एक सर्विस अपार्टमेंट है यहाँ पे आप आ, बुक कर सकते हो अगर आपके यहाँ आप आप कोई पार्टी है फंक्शन है तो आपके यहाँ आप गेस्ट अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसे बुक कर लो और बिल्कुल ये होम के जैसा है आ, अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और मुझे होटल से ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पर होम के जैसा फ़ील करते हो यहाँ पर मैं चाचा जी के घर पर आ चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए बेबी और शानवी और हम सब मस्त बेबी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे बट वो एक्चुअली हमें पहली बार देखा है ना तो इतना ज़्यादा हमारे साथ फेमिलियर नहीं हुआ और ये देखिए बेबी का गुस्सा इतना गुस्सा आता है और यहाँ पे शानवी देखिए उसके साथ कितनी मस्ती कर रही है और वो शानवी के साथ अच्छे से हिल मिल गया है बट अभी हमारे से मिलने में मिलने जुलने में उसे थोड़ा सा वक्त लगे है क्योंकि उसने हमें फ़र्स्ट टाइम देखा है और बच्चे थोड़ा सा मिंगल होने में टाइम लेते हैं और पे देखिए वो सबको बस देख रहा है और बस ऑब्जर्व कर रहा है खाना खत्म हो गया खाना खत्म बोल दो तुम भी बोल दो खाना खत्म हो गया कैसे खत्म गाइज निकलने से पहले हमसे वेट नहीं हुआ और हम तीनों ने मस्त उसको हगी पूछी करी और वो देखिए कितना ज़्यादा रो रहा है और अपने पापा के पास जाने के लिए मतलब कैसे हाथ फैला रहा है उसके बाद हम यहाँ निकल गए और यहाँ पे चाचा जी और सागर जी हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्टेशन रेलवे स्टेशन और यहाँ पर मैं शानवी आनंद और हम सब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ और आगे आपको बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ें पता चलेंगी तो आप व्लाग में बने रहिए मेरे यहाँ पे देखिए शानवी थोड़ी सी सैड हो गई है क्योंकि उसको बेबी के साथ बहुत मन लग रहा था और अब देख सकते हो कितनी सैड है यहाँ पे हम स्टेशन आ गए और स्टेशन आते ही मैं इतना तेज वाला डरी हूँ ना ये स्टेशन पे ऐसे स्टैचू बना हुआ था और मतलब जिनको नहीं पता वो या रात में ये स्टैचू देख लेना तो भयंकर डरने वाले हैं मैं खुद देखी ना तो मुझे अचानक से ऐसा डर लगा बट फिर मैं कंफ़र्टेबल हुई और यहाँ पे देखिए शानवी ने इसके साथ मस्त फोटो क्लिक करवाई और शानवी यहाँ पे थोड़ी सी सैड है क्योंकि उसको आदविक के साथ खेलना था उसको आदविक के साथ और मस्ती करना था उसके बाद गाइज हमारी ट्रेन आ गई है और आज हम सफ़र करने वाले हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम वंदे भारत से ये देखिए तो ये वंदे भारत हुबली से बेंगलोर की तरफ चलती है तो हम इसमें सफ़र करने वाले हैं और मुझे ही बड़ा ही एक्साइटमेंट हो रहा था मैंने आज तक वंदे भारत में सफ़र नहीं की है यहाँ पे देखिए हम आ के अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था और बहुत ही अच्छा था और यहाँ पर देखिए शानवी भी मस्ती कर रही है थोड़ा ना मैं उसको खुश करने की कोशिश कर रही थी और ये देखिए अभी हमारी ट्रेन को खुलने में चार पाँच मिनट टाइम है तो हम सब बैठे हुए हैं मैं शानवी और यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल सा लग रहा था और अंदर से इतना अच्छा ये ट्रेन लग रहा था ना लेकिन आगे मैं आपको व्लॉग में कुछ बताऊंगी जिससे कि मतलब वंदे भारत में ऐसा होगा आप सोच नहीं सकते हो बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ की आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वंदे भारत में ऐसा होगा यहाँ पे मैं आनंद और शानवी हम तीनों बैठे हैं और ट्रेन हमारी खुल चुकी है ट्रेन चल चुकी है और यहाँ पे हमें पानी की बोतल मिल गई है और ये देखिए हम हुबली प्लेटफॉर्म को बाय बाय करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये धूप देखिए कितनी अच्छी खिली हुई है धूप उसके बाद गाइस जैसे ही ट्रेन खुली ना मैं गई वॉशरूम में क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये हाइप सुना हुआ है कि अरे वंदे भारत का वॉशरूम बहुत अच्छा है वंदे भारत का वॉशरूम बहुत अच्छा है तो मैं भी चली गई इससे पहले कि वो यूज़ हो जाए कोई यूज़ करे सबसे पहले मैं गई और अंदर से मैंने वीडियो निकाला और यहाँ पे आप देख सकते हैं वंदे भारत के वॉशरूम का इंटीरियर्स बहुत ही अच्छा है सारी चीज़ें बहुत अच्छी है बिल्कुल लग्जरी है सब चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा डोर वगैरह सारी चीज़ें ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं लॉक अनलॉक मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट और ये देखिए स्लाइडिंग डोर सब चीज़ नीट एंड क्लीन था लेकिन आगे जब मैं आपको बताऊँगी ना मतलब ऐसी हाल वंदे भारत का ऐसा हाल आप उम्मीद नहीं करेंगे मतलब हम भी शॉकड थे कि मतलब वंदे भारत और लोकल ट्रेन में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है उससे अच्छा तो लोकल ट्रेन में होता है तो मैं आपको आगे बताऊंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा खाना आ चुका है क्योंकि हमारी दोपहर की ट्रेन थी तो चढ़ते साथ ही पाँच से सात मिनट के अंदर हमें लंच दे दिया गया और ये हमारा लंच का ट्रे आ चुका है और यहाँ पे मैं लंच ओपन कर रही हूँ और लंच में मिली थी दाल चावल पनीर की सब्ज़ी और एक पता नहीं बीटरूट का कुछ सैलेड टाइप का था दही पराठे और ये एक बेसन का स्वीट था खाना ओके ओके था मतलब बहुत ही कहेंगे कि बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे खाना ओके ओके था चलो ट्रेन में हमें ये प्रोवाइड किया गया यहाँ पे मैं दाल रोटी खा रही हूँ तो मुझे खाना ओके ओके लगा आप देख सकते हैं मेरे एक्सप्रेशन से जितना मतलब मैंने वीडियोज़ में देखा था ना कि बहुत अच्छा खा खाना बहुत ये वो वैसा कुछ ये नहीं था और यहाँ पर फिर मैंने स्वीट ट्राई किया ये बेसन का सूखा हुआ स्वीट था तो जो कि अच्छा था और ये देख सकते हैं खाते वक्त मेरे बालों पे ये स्वीट गिर गया तो बस मैंने अपना खाना इंजॉय किया और बाहर देखते हुए व्यू बहुत ही अच्छा था आप साउथ में साइड कहीं भी चल जाओ ग्रीनरी की तो कोई कमी नहीं है और आपको बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग से व्यूज़ देखने को मिलेंगे शानवी ने अपना खाना वैसे के वैसे ही छोड़ दिया वो बस स्वीट और थोड़ा सा राइस खाई है पता नहीं उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था उसको स्वीट अच्छा लग रहा था तो बस वो स्वीट और राइस खाई और घर से जब हम निकले थे तो हम अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करके निकले थे तो शायद उसे भूख नहीं लगी हो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में कहीं पे ट्रेन रुकी थी उसके बाद गाइस आनंद आगे जाके ये जो जो ड्राइवर ड्राइवर एरिया है जहाँ से ड्राइव करते हैं जो कॉकपिट बोलते हैं आनंद वहाँ से वीडियो लेने के लिए गए थे क्योंकि कॉकपिट से सबसे पहला बोगी हमारा ही था यहाँ से आनंद आए हैं और बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है सामने देख सकते हैं यहाँ पर ना थोड़ा सा शीशा लगा हुआ था थोड़ा सा शीशा में ना वो क्या कहते हैं ना गंदगी थी इस वजह से आपको ये वीडियो थोड़ा सा धुंधला लग रहा है लेकिन आगे का व्यू बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही अच्छा अमेजिंग व्यू था यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रो ड्राइवर हैं और पहली बार मैं इतने पास से देखी हूँ कि ट्रेन कैसे चलता है आज तक मैंने नहीं देखा था और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि आपका नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है नेक्स्ट स्टेशन क्या है यहाँ पे आप देखिए इस कितना अच्छा लग रहा है आगे से और ये दो ड्राइवर्स और आगे ट्रेन मतलब लगता है आगे कुछ नहीं है बस ट्रैक के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखता है साइड्स में ग्रीनरी है और आगे बस ट्रैक 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 और इसी ट्रैक पे आपको चलते जानना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा व्यू लग रहा था और मैं तो देख के मतलब सरप्राइज हो गई गाइज़ वंदे भारत में सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी बट जो एक चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई और जो मतलब मुझे लगा कि ऐसा तो लोकल ट्रेन में भी नहीं होता है वॉशरूम मतलब वंदे भारत ट्रेन इतना बड़ा ट्रेन इंडिया में सबसे मतलब महंगी टिकट आती है इसकी और मतलब सारी चीज़ें इतनी अच्छी है फैसिलिटीज़ इतने अच्छे हैं बट टॉयलेट्स मतलब जितने भी ट्रेन में टॉयलेट्स थे गाइस जितने भी ट्रेन में टॉयलेट थे सारे ब्लॉक्ड थे मतलब आप कोई टॉयलेट भी यूज़ नहीं कर सकते हो और मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई ना इतनी मतलब जितने टॉयलेट थे ऑलमोस्ट सारे टॉयलेट ब्लॉक थे और मतलब उसकी सफाई के लिए लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे मे बी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगा कि ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे और पूरे रास्ते टॉयलेट्स वैसे ही ब्लॉक्ड मिले मुझे मतलब ऐसा मतलब लगा ना ऐसा तो मतलब लोकल ट्रेन्स में भी नहीं होता हम लोकल में भी ट्रेन में भी चढ़े हैं बट वैसा नहीं होता तो बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये गेट वगैरह है और ये डोर ऑटोमेटिक है और जब ये स्टेशन आती है तभी रुकती है बट जो टॉयलेट का हाल देखा ना इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊं हमने बहुत सुना था अरे वंदे भारत ऐसा वंदे भारत ऐसा बाकी सारी चीज़ें ठीक थी बट टॉयलेट का हाल देख कर के ना बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट ही हुई निराशा ही हुई हमें उसके बाद गाइज अब स्टेशन आ चुका है और यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइट जल रहा और यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है और डोर ओपन हो होने के बाद जिनको चढ़ना है ट्रेन में आप चढ़ सकते हैं और ये डोर ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है और साथ के साथ अनाउंसमेंट भी हो रहा था फ्रेंड्स कि आप आने वाला है स्टेशन और ट्रेन खुलने वाली है तो प्रॉपर अनाउंसमेंट भी हो रहा था और ये देखिए आनंद उतर करके मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आगे से लाए हैं आगे से आप ट्रेन देखोगे ना इतना सुंदर लगता है ना बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन क्या क्या ही कर सकते चलो उस एक चीज़ को इग्नोर अगर हम कर भी दें तो ट्रेन में ओवरऑल सर्विस सही थी यहाँ पे देखिए आगे से ये ट्रेन कितना सुंदर लग रहा है और ये ट्रेन ना स्टेशन पे रुका हुआ था तब की वीडियो है और अगर आप मतलब डोर क्लोज हो गया ना उसके बाद अगर आप नीचे रह गए ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता वो ऑटोमेटिक डोर है सेंसर डोर है और वो फिर दोबारा नहीं खुल सकता है तो मतलब अगर आप ट्रेन से उतरे तो अपनी रिस्क पे उतरे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था उसके बाद गाइज स्नैक्स का टाइम हो गया और यहाँ पे स्नैक्स में हमें मिला था समोसे पॉपकॉर्नस और नमकीन यही सब था गाइज जो एक स्नैक्स में होता है स्नैक बॉक्स में तो यहाँ पर हमें तीन बॉक्स मिला साथ के साथ हमें मिली चाय तो ये बहुत ही अच्छी चाय थी चाय को मैं एकदम टेन आउट ऑफ टेन दूंगी बहुत ही अच्छी बहुत ही अमेजिंग सी चाय थी तो यहाँ पर मैं मस्त इन्जॉय कर रही हूँ अपनी चाय शानवी इंजॉय कर रही है स्नैक्स शानवी को स्नैक्स बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें कैरेमल पॉपकॉर्न का पैकेट था जो कि उसका फेवरेट था इसलिए शानवी खुश हो गई और यहाँ पे देखिए चाय पीते और बाहर देखते देखते हमारे सफ़र की हो गई अंत तो यहाँ जो है हम बेंगलोर पहुँच चुके हैं और खाते पीते सफ़र कैसे बीत गया बिल्कुल पता नहीं चला बिल्कुल टाइम पे हम पहुँचे एक मिनट की भी देरी नहीं हुई और यहाँ पे आप देखिए मैं उतर के मस्त एक वीडियो बनवा रही हूँ और यहाँ पे अंदर जो पायलट्स वगैरह हैं अब सब बाहर जाने की निकल रहे हैं तो हमने सोचा चलो एक वीडियो कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो बनवाने के बाद हम चले गए प्लेटफॉर्म नंबर वन पे क्योंकि इसके बाद हमारी बेंगलोर से कनेक्टिंग ट्रेन है जो कि है कोयम्ब के लिए तो हम प्लेटफॉर्म नंबर वन पे जा रहे हैं सो so गाइस अभी हम बेंगलौर स्टेशन पे बैठे हुए हैं और हमारी ट्रेन नौ सवा नौ बजे आएगी अभी प्लेटफॉर्म नंबर शो नहीं हो रहा है इसलिए हम एक नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और अभी बस ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ तो पे इतना मन लगाना हम लोगों को खास करके छोटा बाबू के साथ इतना मन लगा जिनका बर्थडे था सामने को तो बिल्कुल आने का नहीं मई फिर मम्मी फिर जाना है फिर जाना है उनको घुसला के ना अच्छा है कि अगला बर्थडे फिर ले चले चलेंगे बस अच्छा तो नहीं लग रहा है कोई भी ज़्यादा है ड्यूटी है अभी यहाँ वेट कर रहे हैं हम ट्रेन के आने का अभी यहाँ पर बज रहा है आठ बज के दस मिनट हो रहा है अराउंड नौ बजे तक डिस्प्ले में आ जाएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर किस पे आएगी फिर हम जाएंगे प्लेटफॉर्म के तरफ गाइज़ हमारी कनेक्टिंग ट्रेन भी आ गई और इसके बाद हम यहाँ पे खा रहे हैं खाना चाची जी ने बहुत ही अच्छा सा खाना बना के दिया था रोटी भुजिया अचार जलेबी मतलब घर का जो एक घर का प्रॉपर खाना होता है ना और घर के खाने की बात ही अलग होती है घर का खाना घर का ही खाना होता है और यहाँ पे मैं खाना खा के मस्त सो गई और सुबह सुबह उठी और हमारा डेस्टिनेशन आ चुका था और यहाँ पे कैब में बैठ के मैं जा रही हूँ घर तो यहीं पे होता है ये सफ़र का अंत तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में तब तक मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक यू गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो